जाता है तो जैसा नीचे नीचे तो वो ताक है वही पकड़ कर लेके चलता। अच्छा अच्छा आप थोड़ा सा आइए दिखाइए। यही को उठाता है देखिए, यही उठाएगा तो हुनर पड़ेगा। अच्छा अच्छा एक एक दो दो तीन तीन ताक जैसे भी पत्ता में कटा रहेगा वही उठाएगा तभी ये चलेगा। अच्छा ये बात है। चलिए हम एक बार चला कर दिखाते हैं एक मशीन। ये आप देख रहे हैं कपड़ा, ये शेरवानी का कपड़ा है और किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसकी डिजाइनिंग कैसे लगती है ये भी हम जानेंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर दिखाइए चाचा जी, इसकी डिजाइनिंग का मशीन बैठा होंगे, चार मशीन दिखाई दे रहे, एक ये है और एक आप पीछे देख सकते हैं, दिखाइए एक यह है मशीन और इसके बाद एक इधर दिखा दीजिए, इधर ये है एक ये मशीन है, चार मशीनें हैं हमारे साथ, छः मशीन है आप और दो मशीन कहाँ पे? अच्छा पीछे है। देखिए भैया दो मशीन है और पीछे है, और तो ये कितने एक मशीन बैठाने में कितने का पैसा लगा? 1,00,000। 1,00,000 रुपया यानी 1,25,000, यानी कि 1,25,000 है इतने का भैया, जो है कि 1,25,000 का एक मशीन बैठेगी है। और उसके बाद कितना मीटर कपड़ा जैसे इसका बनता है, कैसे जाता है सब? ये जो है हम तो बीनते हैं दूसरे का। अच्छा मैं दूसरे व्यापारी का बीनता हूँ। अच्छा अच्छा किसी और व्यापारी? हाँ हमको मजदूरी मिलती है। अच्छा कैसे मिल जाता है मजदूरी? 10-20 रुपया मीटर मिलता है। अच्छा एक मीटर का 20 रुपया? 20 रुपया 10 रुपया कारगर ले लेते हैं। अच्छा अच्छा 10 रुपया कारगर ले लेते, तो यानी 10 रुपया बचता है। 10 बचता है, 10 में बत्ती की बिल, मकान का टैक्स, हाँ। पानी का टैक्स, हाँ। खाने को चाहिए तो क्या खाया जाएगा। अच्छा और धागा का कौन लेता है, मतलब कौन देता है? वो व्यापारी देता है जिसका माल बनता है। अच्छा जिसका माल बनता है वही व्यापारी जो है कि धागा देता है। और चलिए अब हम दिखाते हैं एक मशीन को चला के, पहले हमारे साथ ये देखिए कौन सी मशीन चलाई, यही मशीन चला देते हैं। चलिए और एक चीज़ और जानकारी हमें दे दीजिए जरा, कि ये जो रेसे हैं ये वाले, ये हमेशा लगा रहता है कि इसको भी लगाना पड़ता है? हमेशा लगा रहता है। अच्छा इसको निकालना नहीं, नहीं। कौन सा धागा लगाना पड़ता है जरा बताइए? इधर इधर आइए। लैलून का धागा है। अच्छा अच्छा लैलून का धागा है, तो ये धागा दो प्रकार से, देखिए आप थोड़ा सा नज़दीक आइए दिखा देते हैं हम, देखिए दो दम का है आप देख सकते हैं, ये वाला दो तरीके से जो है कि लगाया गया है, और ये जो है आप देखिए देख रहे हैं ये सांचा है, और उसके बाद और दिखाते हैं, पकड़िए आप ये बन गया, आप देखिए ये जो है ये किस चीज़ का कपड़ा बन रहा है? शेरवानी का। शेरवानी का कपड़ा बन रहा है। अच्छा तो आप धागा लगाने वाला दूसरा होता है भैया, और उसके बाद इसको मशीन को अगर चलाना है तो दूसरा रहेगा व्यक्ति, और आप मालिक हैं। चलिए मालिक हैं, नाम के मालिक हैं, लेकिन जो है कि और से इसका मालिक कोई दूसरा है, क्यों? क्योंकि व्यापारी जो है कि जब इनको देगा काम तभी करेंगे, ऐसे तो नहीं कर सकते। कितना जो है अपने से बनाकर और आप सेलिंग करेंगे दूसरे जगह, है कि नहीं? हम कैसे सेलिंग कर सकते हैं, हम तो मजदूर हैं, एक कारखाना बना हुए बैठे हैं, जिसका मिलता है उसका चलाते हैं, हमको मजदूरी से मतलब रहती है। अच्छा अच्छा आपका नाम अब्दुल सलाम? अच्छा अब्दुल सलाम। अच्छा तो जैसे कि इसकी जानकारी अगर कोई लेना चाहता है कि कैसे मशीन को बैठाया जाए, तो आप दे सकते हैं कि नहीं? दिया जाएगी। हाँ तो आपका कोई मोबाइल नंबर है? नहीं मोबाइल नंबर तो हमारे पास, हम मोबाइल रखते ही नहीं। अच्छा कैसे संपर्क करेगा? मोबाइल रखने से 80% झूठ, 80% झूठ झूठ उस पर बोला जाता है। अच्छा अच्छा देखिए भैया ये मुसलमान है, और ये मुस्लिमों में अक्सर करके झूठ नहीं बोला जाता है कि नहीं? जी जी। इस कारण मोबाइल आप नहीं रखते, नहीं रखते। तो और किसी का मोबाइल नंबर है तो बता दीजिए, अगर संपर्क करना चाहता है तो कोई? तो 1,00,000 का नंबर दे दीजिए, कितना है? चलिए आपके लड़के हैं वो? जी। हाँ तो नंबर है तो दे बताइए कोई? जी 8299-41-88-53। अच्छा देखिए भैया ये नंबर है, किन का नंबर है? 1,00,000। 1,00,000 अंसारी, क्या नाम है? अंसारी, 1,00,000 अंसारी। अच्छा 1,00,000 अंसारी का भैया नंबर, यानी इनके लड़के का है नंबर, और इनसे जो है कि आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं। हाँ एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं आपको, देखिए जरा इधर पास में करिए, ये आप देख रहे हैं कपड़ा, ये शेरवानी का कपड़ा है, और किस तरह से डिजाइन किया जाता है, इसकी डिजाइनिंग कैसे लगती है ये भी हम जानेंगे। चलिए थोड़ा सा ऊपर दिखाइए चाचा जी, इसकी डिजाइनिंग कैसे किया जाता है, थोड़ा सा दूर से आइए। इसको खाके पर बनता है, हाँ खाके पर बनने के बाद पत्ता काटने वाले किया जाता है, नक्शेबंद इसको बनाते हैं, बनाने के बाद ये पत्ता काटने वाले। अच्छा पत्ता ये है, देखिए आप देख सकते हैं पत्ता ये है, ये सब है पत्ते, तो ये पत्ते कहाँ से आते हैं सर? ये सब मिल है, फैक्ट्री से पत्ता वाले मंगाते हैं, वो कटवा के देते हैं। हाँ हाँ
इसकी कटवाई एक पत्ता की 7 रुपया पड़ती है, 8 रुपया एक पत्ता काटने की। अच्छा, तो उसका भी पैसा आपको ही देना है? नहीं, वो व्यापारी देगा जिसका बनाती है। अच्छा अच्छा, जिसका बनाते बनता है वो देता है, है? उसके बाद ये पत्ता वो लाएंगे, अपने से सेट करेंगे उसके? नहीं, बाद वो सेट हम ही लोग करेंगे, सेट ये वाला आप नहीं करेंगे आप लोग? अच्छा, देखिए पत्ते को दिखाइए, ये वाला सेट जो है कि ये लोग अपने ही करेंगे। उसके बाद ये जो आपको रेशम का दिखाई दे रहा होगा, जरा दिखाइए रेशम को। हुनर पड़ता है? अच्छा, ये हुनर है, किस तरह से डिजाइन किया जाएगा ये सब जो है? यही बनाएगा, यही बनाएगा, ये बनाएगा और ये हमेशा इसी तरह लगे रहेंगे? लगे रहेंगे। अच्छा, डिजाइनिंग कौन बनाता है? ये बनाता है डिजाइनिंग। उसके बाद नीचे कैसे सेट हो जाता है? तो जैसा नीचे नीचे तो वो ताक है, वही पकड़ कर लेके चलता। अच्छा अच्छा, आप थोड़ा सा आइए दिखाइए, यही को उठाता है, देखिए यही उठाएगा तो हुनर पड़ेगा। अच्छा अच्छा, एक एक दो दो तीन तीन ताक जैसे भी पत्ता में कटा रहेगा वही उठाएगा तभी चलेगा। अच्छा, ये बात है। चलिए हम एक बार चला के दिखाते हैं, एक मिनट। चलिए ये थोड़ा सा चला दीजिए इस मशीन को, देखिए अब कैसे स्टार्ट होता है, जरा दिखाइए। देखिए उसको वहाँ से, वो ब्रेक है क्या? देखिए वो ब्रेक दिखाइए जरा, वो ब्रेक जो है कि उसको दबाएंगे, उसके बाद कैसे जो है कि उसको किया जाता है? हाँ देखिए, अब उसको जे हिलाया जा रहा है, अब ये चलने शुरू हो गया, चलना शुरू हो गया है, और यहाँ पे डिजाइनिंग ये कपड़ा भी बनना शुरू हो गया। आवाज़ें बहुत है चाचा जी, हाँ आवाज़ें बहुत हैं इसकी, तो अब आदत हो गई होगी। हाँ, हम लोगों को आदत हो गई है, और ये रात को नहीं चलती तो नींद नहीं लगती है। अच्छा, ये समस्या होती है रात को, अगर ये नहीं चलती है मशीन हाँ, तो नींद नहीं लगती है, क्योंकि मुहावरे में हो गया है। अच्छा अच्छा, दिमाग में क्या हो गया है, क्यों बंद है? 2 मिनट अगर हम यहाँ पे थे जब आए, तो जो है कि चारों मशीन चल रही थी फिलहाल में, और जब आए तो हमारा कान दुखने लगा सिर्फ 2 मिनट में। आप समझिए कि ये 2400 घंटे ये मशीन चलती रहती है, और ये कह रहे हैं कि अगर यह मशीन नहीं चलती है तो हमको नींद नहीं आती है। ये तो शेरवानी की कपड़ा हो गया, अब जैसे हम पहने इस समय फिलहाल में देखिए, और जैसे मिल का कपड़ा है, ये मिल का कपड़ा का है। अच्छा, ये इसके लिए दूसरी मशीन लगानी पड़ती है? ये मिल, ये बम्बई और सूरत से आता है। अच्छा, ये बम्बई और सूरत से आता है, और ये जो आप ये लुंगी पहने, मुबारकपुर की मऊ और मुबारकपुर की होती है। अच्छा, मऊ मुबारकपुर की, और ये शर्ट भी जो है कि ये गुजरात से? गुजरात है, गुजरात के भैया। देखिए लूम जो है कपड़ा बनाने वाला है, लेकिन इसकी भी डिजाइनिंग और अलग अलग हर जगह चीज़ें जो है कि बनती है, जैसे जीन्स हो गया, पैंट हो गया, शर्ट हो गया, टी शर्ट हो गया, ये सब चीज़ों की जो है कि लूम अलग अलग मशीनें होती हैं और बिनने का काम करती हैं। तो दोस्तों आज और एक चीज़ हम दिखाना चाहते हैं, जो कि बहुत बड़ा एक खतरा है इसमें। क्या खतरा है आइए दिखाते हैं। ये आप देखिए ढरकी है, ये इसको ढरकी बोला जाता है, और इस ढरकी में आप देखिए ये लगा गया है धागा लगाया गया है, उसके बाद यहाँ से इसमें जो है कि निकाला जाता है। बेचारे बड़ी मेहनत करते होंगे, कैसे निकलता है इसमें से धागा, और बड़ा मुश्किल है इसमें डालना। कैसे डालते हैं आप लोग धागा डालने का? ये इसको उठाया इसको, हाँ, और इसमें इसको नाया गया, हाँ, और इस तरीके से खींचा गया। अच्छा, तो जैसे कि इसमें अगर आप अंदर डालते हैं जब, तो देखिए जब ये अंदर जो है कि इसमें लगाएंगे धागा को, तो उसके बाद ये इसमें पड़ेगा, इसमें इसको डाला जाता है, हाँ डालते हैं, उसके बाद इस फंसा के खींचते हैं। अच्छा, धागे बड़ी मुश्किल है इसमें डालना धागा, निगाह कम रहेगी तो जाएगा नहीं। अच्छा अच्छा, इसमें आँख का काम है, हाँ निगाह कम नहीं रहेगी तो जाएगा नहीं, उर्दू शब्द भैया। और इसके बाद इसको कहाँ से डाला जाता है? इधर से डाला जाता। देखिए आइए जरा दिखाइए, यहाँ से डाल के फिर क्या किया जाता है? और ये धागा पकड़े रहेंगे, उसके बाद ऐसे फेंक देंगे। अच्छा, तो इसमें धागा लगा हुआ है, इसमें तो फेंकेंगे नहीं। हाँ हाँ, फेंक देंगे। अच्छा, अब इसको फेंकेंगे, हाँ हाँ, देखिए कितना जा रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है। अब हम ऐसे फेंक दे रहे हैं, देखिए इसको दिखाइए, देखिए ये अब इस तरह से ऐसे जाएगा, थोड़ा सा दूरी करिए, हाँ दूर करिए, हाँ देखिए अब इसको ऐसे हम फेंक रहे हैं, तो ये कैसे जाएगा? हाँ देखिए भैया, इनको एक्सपीरियंस है, इधर चली गई और धागा निकल गया। ये सब सिस्टम है, और इसके बाद कढ़ाई बड़ी ज़बरदस्त है, और इधर भी ये मशीनें हैं, ये देखिए लाइट लगाया गया है, उसके बाद ये भी वही चीज़ें हैं सब। इधर दूसरी डिजाइन की कपड़ा बन रहा है शेरवानी का, और इधर यही ये भी दूसरे ढंग का है, ये क्रीम कलर का बन रहा है,
इसके बाद ये जो है धागा हम लोग जब टेलर के यहाँ जाते हैं मशीनों में, जो सिलाई मशीन की होती है उसमें जब धागा डाला जाता है तो उस तरह उसका कुछ अलग ढंग होता है, लेकिन इसमें कैसे धागा डाला जाता है ये पूरा इतनी बड़ी होती है। और एक चीज़ खतरा है चचा जी इसमें, हाँ जैसे कि आप लोग यहाँ पे डालते हैं यहाँ से ऐसे यहाँ पे, उसके बाद ऐसे ढकेलते हैं, हाँ वहाँ तक जाता है, थोड़ा सा दूरी से करिए, जब ढकेलते होंगे आप लोग तो ये इधर से उधर हमेशा बार बार करता है, यही लड़ता है बार बार, हाँ लड़ने के बाद इसीलिए आवाज़ आती है ना। तो कभी ऐसा भी होता है कि ये जो है कि ऐसे ना जाके घूम गया होगा ऐसे, लोगों को चोट आ जाती है। अच्छा घूम जाएगा तो ये अगर ऐसे जाएगा अंदर तब तो फाड़ देगा ये, हैं देखिए भैया इसकी नोकीली जो है चोंचे हैं, और ये अगर अंदर पेट में जाएगा तो फाड़ देगा, लोहा है। अगर ऐसा घटना हुआ है कि नहीं कभी? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो नहीं इंशाल्लाह।